हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्राउज़र पैंट के लिए एक बॉटम का डिज़ाइन सीखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत होगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने बॉटम का एक मैंने पीस काट के रखा है और इसके लिए हम जो हमारा जो शर्ट का कपड़ा होगा वो कंट्रास्ट होगा, उसका मैंने ये पीस निकाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये बॉटम ली है तो इसमें हमने नीचे से बॉटम से हमने तकरीबन 2 इंच का कपड़ा पहले अलग करना है और फिर ये 4 इंच का कपड़ा उसके बाद ये भी हमें इसे काट कर अलग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 2 इंच का कपड़ा है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया सीने में और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 4 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। इसको सीधे सीधे हमने इसको काट कर अलग कर देना है क्योंकि हमें डिजाइनिंग करनी है। ये हमने दोनों पीस अलग कर दिए, अब इसको हम अलग करके रख देंगे पहले और हम फिर भी डिजाइनिंग करेंगे। तो डिजाइनिंग के लिए ये मैंने कंट्रास्ट कपड़ा लिया है, ये देखिए ये मैंने पट्टी काटी है, ये तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी है। ये देखिए इसकी हम चपटी पाइपिंग बनाएंगे और ये हमारी डबल में है ये, तो इसको हम सिंगल करके बताती हूँ आपको मैं। ये तकरीबन 4 इंच की पट्टी है जिसको मैंने डबल करके 2 इंच पर तैयार कर रखा ऐसे करके। तो पहले हम इसकी पट्टी बनाएंगे और फिर हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी लगाते हैं सिलाई, तो इसको हम ऐसा करके डबल करेंगे इसको और यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। एक पैर छोड़ते हुए हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा कर इसे फिर हम पलट लेंगे। ये देखिए हमने एक पैर की दूरी हमने सिलाई लगा दी। अब इसमें हम सुई में हम 4 तैर डालेंगे धागे की और गांठ लगा के इसे तैयार कर लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे इसे देखिए, इसको हम सुई को हम इसमें डालेंगे, ये देखिए इसमें डाल के पहले इतने दूरी पे हम इसे एक टांका लगा के फिक्स कर देंगे जिससे हमारी सुई बाहर ना निकले, धागा हमारा टूटे ना। अब इसको उल्टी सुई को डाल के हम इसमें ऐसे करके इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चपटी पट्टी पाइपिंग तैयार हो गई। अब हम जो हमने चौड़ी वाली पट्टी ली थी, ये हमने जो 4 इंच की पट्टी ली थी, अब इस पर हम 1/2 इंच की दूरी पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरे में और फिर इसको भी हम पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पलट ली इसको। अब इसको हम जो सिलाई है ना, हम इसको साइड पे कर देंगे इस तरह, एक साइड कर देंगे सिलाई को। ये देखिए एक तो सिलाई करके और इसको हम सीधा कर लेंगे, ये देखिए ऐसे प्रेस कर देंगे, सिलाई को हमें एक साइड कर देना है। ये देखिए ये साइड हमारी सिलाई हो गई एक तरफ, ऐसे हमने 3-4 पट्टी और तैयार करनी है। इस तरह हमने 2 पट्टी और तैयार कर रख ली है ऐसे। ये देखिए ये हमारी 3 पट्टियाँ तैयार हो गई। अब क्या करेंगे हम इसमें, ये हमारी पट्टी की जो लंबाई है ये है 14 इंच, तो हम क्या करेंगे इसको हम 3 हिस्सों में काटेंगे इसे। तो कैसे करेंगे देखिए, हमने 4.5-4.5 में हम इसको तकरीबन निशान लगा देंगे। ये देखिए 4.5-4.5 का हमने इसमें निशान लगा देना और कटिंग कर देनी है। ये देखिए हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई, अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। अब ये पट्टियाँ काट के हम साइड कर देंगे, पहले इधर रख देंगे। अब जो ये वाली पट्टी थी ऐसे भी ये भी हमने 3-4 पट्टियाँ और काट ली हैं। ये देखिए 1/2 इंची वाली चौड़ी जो हमारी चपटी पट्टी थी वो भी हमने 3-4 ये इस तरह तैयार कर ली हैं। अब इसके भी हम पीसेस काटेंगे, वो कैसे करेंगे देखो, इसको हम डिजाइनिंग में लेंगे। ये हमने एक पेपर लिया है, डबल पेपर है ऐसे, तकरीबन ये 3 इंच है, 1 इंच हमने यहाँ छोड़ दिया है, 1 इंच हमने यहाँ छोड़ दिया और 1 इंच हमने बीच में लिया है, ऐसे हमने 3 भाग कर लिए हैं इसके। हमें जो पट्टी लगानी है वो हमने इस सिलाई पे लगानी है और यहाँ सिलाई लगानी है, पट्टी जो लगाएंगे इस तरह लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगानी है, ये देखिए हम इस तरह हम इतनी दूरी पर हम इसे पट्टी को काटेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। तकरीबन ये पट्टी हमारी होगी, ये देखिए ये हमारी 2 इंच की पट्टी है, तो हमने 2 इंच पट्टी पर इसे हमने इसे काटना है। ये
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टियाँ सारी काट ली, दो दो इंच की हमारी पट्टियाँ कट गई, ये हमारी चपटी पट्टियाँ। अब इस पर हम इस पर डिजाइनिंग करेंगे। तो देखिए कैसे करनी है, हमने इसको ऐसे लगाना है इस तरह, और सिलाई लगानी है। पहले एक तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे, और जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उतना ही हमने इसमें गैप देना है। जैसे आधा इंच की हमारी ये पट्टी चौड़ी है तो आधा इंच का ही हमने इसमें गैप देना है। देखिए एक तरफ हमने ये सिलाई लगा दी, अब हम इसको इस तरफ लगाएंगे, लेकिन हमारी सिलाई लगेगी वही जो हमने निशान लगा रखा है पेन से, हमने जो निशान लगाई है पेंसिल से, इसी पर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है पूरे में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लग गया। अब हमें एक पर छोड़ते हुए यहाँ पे सारे में कटिंग कर देनी है इसकी। ये हमारा लुप्पी लगा के हमने इसे तैयार कर दिया है, चपटी लुप्पी लगा के। अब क्या करेंगे, जो बॉटम का हमारा पार्ट है इसको इससे हम अटैच करेंगे। तो इसका हम पहले सेंटर निकालेंगे, सेंटर इसके निकालने के लिए हम इस पर पहले निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान निकाल गया, ऐसे ही इसका हमने सेंटर निकाल लेना है, ऐसे करना है। ये हमारा इसका सेंटर निकल गया, तो इसको इस पर रखेंगे और इसको इस पर अटैच करेंगे आधा इंच इसे अंदर करते हुए। ऐसे ही ये देखिए एक पैर की दूरी में, ये देखिए ऐसे इसे अंदर करते हुए हम इस पर सेंटर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लग गया। अब जो हमारा ये 4 इंच का पीस था, इसका हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे ऐसे, और इसके साथ हम इसे अटैच करेंगे। अब इस पे ऊपर हम यहाँ पे टॉप की सिलाई लगा देंगे जिससे बैठ जाए। ये हमने जो 2 इंच की पट्टी काटी थी, अब यहाँ पे हमें डिजाइनिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पट्टी काटी 4.5 इंच की जो काटी थी पट्टी, ये वाली चौड़े वाली, इसको हमने कैसे लगाना है देखिए। ये हमने सिलाई कोने पे कर दी इसकी मार्जिन, और इसको ऐसे डबल करना है, ऐसे डबल करके हमें इसको ऐसे लगाना है। आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरा पट्टी लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे फोल्ड करके हमने इसको इस तरह लगाना है। थोड़ी थोड़ी हमने गैप देना है, एक पैर का हमने इसमें गैप देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह लगा दिया हमने इसे। अब जो हमें 2 इंच की पड़ी पट्टी थी, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके हम इसको ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर, ऐसे लगा के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने पट्टी लगा दी। अब जो ये फालतू जो हमारी कटिंग है इसको निकाल देंगे। हम इसको ऐसे करेंगे और इसको इस तरह पलट देंगे, ये देखिए ये हमने लिया, इसको ऐसे पलट देंगे, ये देखिए देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये डिजाइन बन के तैयार होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ है। अब ये जो हमारा कागज़ है इसे हम निकाल के बाहर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉटम डिजाइन तैयार हो गया, और ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बॉटम डिजाइन तैयार हुआ है। आजकल ये जो डिजाइन है ये बड़ा ट्रेंड में है, तो आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।